आपको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस बात को अंगीकार कर स्वीकार करके सबके साथ राजनीति सामने भाजपा ने एक बार फिर से कमलेश पासवान को उतारा है, जो कि यहां पे लगातार 3 बार से सांसद रहे हैं। इस अभेद किले को सर कैसे भेदने वाले हैं आप? ये चिंता तो मुझे काम पे पहुंचा हुआ है, इसका मुकाबला मैं बाहुबल और धन बल से नहीं, ये कभी मेरा मोटो नहीं रहा है, इसका मुकाबला मैं जन बल से करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है। गोरखपुर लोकसभा की सीट हो जाती है खास, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और इसी गृह जनपद में 2 लोकसभा सीट आती है, एक गोरखपुर सदर और एक बांसगांव। और मैं बता दूं, बांसगांव से इंडिया गठबंधन ने एक बड़े ही दमदार नेता को अपना सिंबल देकर चुनाव के अखाड़े में उतार दिया है। नाम है सदल प्रसाद। सदल प्रसाद बड़े ही माने जाने यहाँ के नेता हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस बार ये लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। और एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, इससे पहले बसपा में ये मंत्री भी रहे हैं, 2007 से लेकर 2012 में ये मंत्री रहे हैं और काफ़ी इन्होंने काम किए हैं अपने समाज के लिए। इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद आपको। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको इंडिया गठबंधन ने एक बार मौका दिया। इसके लिए भी आपको कोट कोट की अभिनंदन। सर क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? मुद्दा आज़ादी के इतने दिनों बाद यहाँ से जो सांसद चुने जाते हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच, जिनका प्रयास रोटी के नाम पे, कपड़े के नाम पे, मकान के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे, सड़क के नाम पे, और साथ ही साथ जो जुआ वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका पूरे देश में कई करोड़ों की तादाद में पढ़ लिख करके जो बेरोजगारी का शिकार हो चुका है, यहाँ से जो भी चुन करके गया, मैं समझता हूँ इस देश की संसद में उन समस्याओं को उठाने का काम नहीं किया, अपना नैतिक दायित्व तो निभाने का काम नहीं किया, ये मेरा मुद्दा है। यदि इस क्षेत्र की सम्मानित जनता मुझे आशीर्वाद दे करके, मत दे करके यदि इस देश की संसद में भेजती है, तो मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूँ इन समस्याओं के बारे में मैं उनकी आवाज़ बनने का काम करूँगा। संसद में आवाज़ ही नहीं बनूँगा, मैं एक छोटे से सदन विधानसभा में आवाज़ बनता था अपने विधानसभा की सम्मानित जनता का, और मेरे कार्यकाल में विधायक के रूप में, मिनिस्टर के रूप में पूरे क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुए थे। चारों तरफ पूरा हो, चाहे पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, और मैं किसी व्यक्ति विशेष, किसी जात विशेष को ध्यान में लेकर रख करके नहीं कोई काम करता था। मेरा शुरू से ही यह सिद्धांत रहा कि सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस बात को अंगीकार कर स्वीकार करके सबके साथ राजनीतिक धर्म मैंने निभाने का पूरा ईमानदारी से प्रयास किया और आगे भी करूंगा। सर अगर देखा जाए तो आपके सामने भाजपा ने एक बार फिर से कमलेश पासवान को उतारा है, जो कि यहां पे लगातार 3 बार से सांसद रहे हैं। इस अभेद किले को सर कैसे भेदने वाले हैं आप? ये चिंता तो मुझे भी है, 3 बार पाला पड़ा है, 3 बार पाला पड़ा है, 3 बार मुझे जो है वो पराजित कर चुके हैं। सदल प्रसाद, आपके माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र की सम्मानित जनता को करना चाहता है, एक तरफ धनबल है, एक तरफ बाहुबल है, और दूसरी तरफ हारते हारते सदल प्रसाद इस समय बेचारा के मुकाम पे पहुंचा हुआ है। इसका मुकाबला मैं बाहुबल और धनबल से नहीं, ये कभी मेरा मोटो नहीं रहा है, इसका मुकाबला मैं जन बल से करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार संसदीय क्षेत्र बांसगांव का पूरा जो सम्मानित मतदाता हैं, जन बल के रूप में मेरे साथ खड़े मिलेंगे, और यही बाहुबल और धनबल का जवाब देने का काम करेंगे। सर अगर बात करें कांग्रेस का अकाउंट के विषय में, तो कांग्रेस का अकाउंट जो है वो सीज कर दिया गया है, सर उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये हमारे स्तर का सवाल नहीं है, ये
चोटी के राष्ट्रीय नेताओं से इस सवाल का जवाब लिया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा माकूल इस सवाल का जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे सदल प्रसाद जी जो बांसगांव से लोकसभा सीट से सांसद के रूप में प्रत्याशी हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ABC हिंदुस्तान न्यूज़।